हेलो दोस्तों, जे टेग्रो में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर रूफटॉप की नई प्राइस जो बाहर निकल के आई है, जो गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था सोलर रूफटॉप की प्राइस के बारे में, जो काफ़ी वायरल हुआ था। वो वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने देखा वीडियो, और कई लोगों के सवाल भी थे, मैंने उनको सुझाव भी दिए थे। इस बार भी ये वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने नया सोलर रूफटॉप की प्राइसेस और वो सब्सिडी के बारे में क्या क्या प्रावधान है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो और ज़्यादा जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके स्टेट में और मेरे स्टेट में हर साल गवर्नमेंट नया नया टेंडर लाती है हर बार सोलर रूफटॉप के बारे में, और इस तरह के हम जान जाते हैं कि प्राइसेस क्या होती है सोलर रूफटॉप की, पर किलोवाट कितने से कितने किलोवाट के लिए क्या सब्सिडी के प्रावधान है। इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा किया है, पर ये कुछ हद तक अलग है। और इस बार गवर्नमेंट ने जो गोल रखा है, गुजरात गवर्नमेंट ने जो 200,000 घरों पे सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है, ऐसे तो देखने जाए तो उनका 2022 तक का लक्ष्य है 800,000 लोगों के घर पे लगाने का सोलर रूफटॉप। पर एक साल के लिए उन्होंने जो अपना जो गोल रखा है वो 200,000 घरों पे रखा है। पर इस बार की जो स्टैंडर्ड में रिकल के जो आया है, जो कॉस्ट और बेंचमार्क जो कॉस्ट है सोलर रूफटॉप और सब्सिडी में, वो कुछ हद तक अगले 2018 के साल से कुछ थोड़ा डिफरेंट है। इस बार थोड़े ऐसी प्राइस थोड़ी इंक्रीज और कहीं ना कहीं वही है। पर हम जब देखना चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में तो सोलर रूफटॉप की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी घट चुकी है पहले के मुकाबले, पर जो सब्सिडी का कोटा होता है वो थोड़ा ज़्यादा और कम किया है। पर गुजरात में इस बार थोड़ा और डिफरेंट है, वो क्या है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, रीज़न इसके पीछे ये है कि आप पिछले साल और इसलिए साल इस साल का जो सोलर रूफटॉप की प्राइस और सब्सिडी का कोटा रोकोगे तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। क्योंकि पिछले साल आप जब देखेंगे तो कि जो हमको सोलर रूफटॉप की जो प्राइस थी और उसमें हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती थी जो 30% थी तब, और गुजरात गवर्नमेंट तब हमें 10,000 लेके 20,000 की सब्सिडी का उस अपने कोटे से भी सब्सिडी का फ़ायदा देते था, तो हमको दो तरफ से सब्सिडी का फ़ायदा मिला था। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी का ही फ़ायदा मिलेगा। गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सब्सिडी का कोटा शायद बंद कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की 40% सब्सिडी थी जो बहुत ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, और 20% जो कम है इस साल के मुकाबले, क्योंकि उसमें कुछ रीज़न रखे 1 से 3 किलो में 40% और 3 से 10 किलो में लेने जाओ तो आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। पर उसमें भी कुछ कंडीशन है 3 से 10 किलो में, तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने क्या प्राइस रखी है 1 से 10 किलो में, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने स्क्रीन पर। आप जैसे देख सकते हैं कि 1 किलो की प्राइस जो रखी है सब कुछ घट होके सब्सिडी का, तो उसका टोटल होता है 1 किलो का 28,096 रुपये, 2 किलो का होता है 55,866 रुपये, 3 किलो का हो सकता है 83,406 रुपये। उस तरह आप देखना चाहो तो 10 किलो तक की उसकी प्राइस लिस्टेड है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आप सबको मालूम होगा कि इस बार सोलर रूफटॉप के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने जो प्राइस रखी 110 किलो में, थोड़ा डिफरेंट है इस बार इसका फॉर्मूला। क्योंकि आप 1 से 3 किलो में लेना चाहो तो 40% की सब्सिडी लागू होती है, जबकि 3 से 10 किलो में लेना चाहो तो उसमें जो पहले जो 3 किलो होते हैं उसमें आपको 40% की सब्सिडी मिलती है, और रिमेनिंग जो कितने किलोवाट होते हैं वो उसमें 20% की सब्सिडी मिलती है। उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर उसका कैलकुलेशन आपको पता नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, जैसे मैंने उसमें बताया था कि सब्सिडी का कोटा किस तरह आपको अप्लाई होगा अपनी सोलर रूफटॉप लगवाने में, और आप खुद पे घर बैठे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। मैं अपना कार्ड में जो उसकी लिंक देता हूँ और डिस्क्रिप्शन पे उस वीडियो की लिंक देता हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको लगेगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़े सोलर रूफटॉप की प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रही है, तो मैं कहूँगा हाँ थोड़ा ज़्यादा लग रही है। मैंने तब भी कहा था कि ये वो टाइम बेस्ट है कि आप सोलर रूफटॉप लगा सकते हैं, अभी चीपर प्राइस है, नेक्स्ट ईयर क्या कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते, तो देख लिया आप क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे हिसाब से देखना चाहो तो सोलर रूफटॉप की जो प्राइस है टोटल विदाउट सब्सिडी की प्राइस गिनने जाओ तो कोई उसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीज जैसा लगेगा ही नहीं आपको, स्पेशली फॉर गुजरात लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अब तक जो दो तरफा की सब्सिडी मिलती थी पर वो अब वन साइड सब्सिडी मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है,
तभी उनको लोग आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत प्राइस है। पर देखना चाहो तो 1 से 3 किलो में आपको लगेगा कि थोड़ी प्राइस है, तो मैं कहूँगा हाँ 1 से 2 किलो में थोड़ी ज़्यादा लगेगी। पर आप 3 किलो से ज़्यादा लेना चाहोगे तो आपको प्राइस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा पिछले साल से और इस साल के मुकाबले, क्योंकि जब देखना चाहोगे तो 1 से 2 किलो में आपको 5 से 7-8 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलेगा। जबकि आप 3 से रिमेनिंग 10 किलो और तक लेना चाहो तो आपको 2 से 2,500 का डिफरेंस मिलेगा। तो आप जब ज़्यादा लोगे तो बहुत ही फायदा है आपके लिए। और अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। मेरे भाइयों आपको मैं कह दूंगा कि इस तरह जैसे पहले गुजरात में इस तरह अप्लाई नहीं होता था, पर अब गुजरात आपकी श्रेणी में आ गया है, तो इस तरह आपका अपने स्टेट का बेंचमार्क जो कॉस्ट है किलो प्राइस का, 2 किलो प्राइस का, 3 किलो का, इस तरह आप सब्सिडी पॉलिसी का जो कोटा है कैसे अप्लाई होता है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो इस तरह अप्लाई होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट में पहले चेक कीजिए कि क्या प्राइस है किलो की, क्या प्राइस है 2 से 3 या 10 किलो की, तो इस तरह इस मार्जिन से अपना सब्सिडी का कोटा चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो सोलर रूटॉप की प्राइस और सब्सिडी के बारे में फॉर पिछले गुजरात के लिए और कुछ हद तक देखें तो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। अगर इस वीडियो के बारे में कोई और सवाल भी हो, सुझाव भी हो, तो आप कमेंट करना ना भूलें, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद भी आया हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और तब तक के मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में।